राजधानी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे पार्टी के जो यूपी के अभिभावक कह दें नवाब साहब बैठे हुए हैं, शाह नवाब साहब। हमारे बगल में श्री जयपाल यादव जी हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। इसरार फारूकी जी हैं, प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। आदरणीय भूमा मुखर्जी जी, मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुनील कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष देवरिया। राजीव कुमार, प्रदेश सचिव। और आप सब देख रहे थे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर धीरज पंडित जी यहाँ पर आप सबको संबोधित कर रहे थे। हम लोग के साथ हैं रामायण राजभर जी जो हमारी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और यहाँ पर उपस्थित और भी हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के नेता हैं, सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी अगुवाई में बिहार में कार्य कर रही है। हम लोग पार्टी का मुख्य उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना। हम लोग का नारा है कि सभी गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। और बिहार में हर समुदाय के बीच में हम काम कर रहे हैं। कोई भी समुदाय हो, चाहे वो गरीब स्वर्ण जाति से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, जो गरीब हैं हम उनको आवाज़ देने का काम कर रहे हैं, विकास में सहयोग देने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग होते हैं वो ज़्यादा गरीब होते हैं, उनकी आवाज़ बन करके बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उनके दरवाजे पर उनके पास जाकर के हमारे एक एक कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हमारे पार्टी का निर्णय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अपनी संभावना तलाश करें, संगठन का विस्तार करें,